आपके सामने परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूंगा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 30 और 31 वचनों में पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको बरकत और आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन बाइबल के लिए जो हमारे उद्धार के लिए, पापों से मुक्ति और पुनर्थान के अनुभव से परिपूर्ण होकर स्वर्गीय स्थानों की आशीष के हकदार बनाता है। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 30-31 वचन में, जिनके पास बाइबल है वो भी इसको देख सकेंगे कि इसका टाइटल ही, इन दो आयतों का टाइटल ही ये दिया गया है कि सुसमाचार का उद्देश्य। ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार ने द पर्पज ऑफ जॉन्स गॉस्पल को यहाँ प्रस्तुत किया है और ये बड़ा स्पष्ट है, अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से काम किए, बहुत से चिन्ह चमत्कार किए जो इस पुस्तक में पूरे के पूरे या सारे के सारे लिखे नहीं गए। जहाँ दूसरे सुसमाचार में ये लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, और आगे लिखा गया है कि यदि लिखे जाते तो इतनी बड़ी पुस्तकें बन जाती कि इस दुनिया में ना समा पाती। और यूहन्ना बड़े स्पष्ट रीति से अपने उद्देश्य में बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है कि जो कुछ भी लिखा गया है या जो कुछ भी इस पुस्तक के बीच में रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है, ये इसलिए है कि हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करने के द्वारा हम जीवन पाएं। जीवन और विश्वास यूहन्ना के दो मुख्य शब्द हैं या दो मुख्य थीम हैं जिस जो पूरी की पूरी सुसमाचार में, पूरी अंजील में चलते हैं। और जैसे जैसे ये अंजील आगे बढ़ती जाती है पहले चैप्टर से आगे, वैसे जैसे ये दोनों वचन भी आगे विस्तृत तरीके से विस्तार के साथ इनका बयान होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि हमें विश्वास करने के लिए कहा गया है, क्या विश्वास करना है, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अभी परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब कि वो परमेश्वर का पुत्र जिसको इस दुनिया के पापों के खातर, इस दुनिया के पापों से उद्धार की खातर जो है इस दुनिया में भेजा गया है, जो एक बहुत बड़ा कुफारा दे, बहुत बड़ी कुर्बानी दे, और हम सब उसके ऊपर विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा जीवन को पाए। और परमेश्वर का वचन जो है ये जीवित वचन है, जीवन का वचन है। जब हम एक सिंगल पीस गॉस्पल को देखते हैं, और कुछ गॉस्पल के ऊपर बाइबल सोसाइटी ने इसका टाइटल दिया हुआ है जीवन का मार्ग, और यूहन्ना रचित सुसमाचार या यूहन्ना चौथे सुसमाचार का लेख बिल्कुल स्पष्ट है कि ये परमेश्वर का वचन किस लिए लिखा गया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को आरंभ से पढ़ते हैं और आरंभ से जब हम जो है आगे एक चैप्टर से दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और हम 20वें चैप्टर तक आते हैं, जो ऑलमोस्ट ये
कंप्लीट हो जाता है या कंक्लूड हो जाती है यहाँ यूहन्ना रच सुसमाचार। आरंभ से यूहन्ना ने जो है जीवन मुख्य वचन को रखा है। जैसे हम यूहन्ना रच सुसमाचार के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके पहले तीन वचनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व की बात कही जाती है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर होने की बात कही जाती है, दुनिया का खालिक और मालिक होने की बात कही जाती है। और चौथे वचन को जब हम पढ़ते हैं और चौथे वचन में लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यहां फिर यूहन्ना रच सुसमाचार का लेखक दो मुख्य शब्दों का इस्तेमाल करता है, एक जीवन और दूसरा ज्योति। और ज्योति भी पूरे सुसमाचार का एक ऐसा शब्द है जो पूरे सुसमाचार में जाता, मुख्य थीम में से एक विषय ये भी है, मुख्य विषयों में से। और जब हम जीवन की बात करते हैं पूरे सुसमाचार को या पूरे सुसमाचार में, ये जीवन शब्द 50 बार आया है। ये 50 बार जो है इसको अलग अलग रूप में जो है पेश किया गया, जीवन, जीवित रहना, जीवन पाना वगैरह वगैरह। और पहले वचन, पहले चैप्टर के पहले अध्याय चौथे अध्याय में चौथे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तो आदि में वो वचन की बात चलते चलते जब प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व को उसके उस बड़े जो है अहदे को या उसकी बड़ी सामर्थ के कामों को या बताया जाता है, और पहला वचन आगे चौथे वचन के रूप में आता, उसमें जीवन था, प्रभु यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक ऐसे जीवन के बारे में जिक्र है जो जीवित है, जिसमें जीवन है, और जो जीवन देने वाला वचन है। अभी मेरे प्रियो आगे जैसे हम बढ़ेंगे हम जीवन के बारे में देखेंगे, जीवन बहुत प्रकार के हैं, जीवन किस्म किस्म तरीके के जीवन है, और उनमें से एक वो जीवन है जिसका बयान यूहन्ना अपने अंजील के बीच में करता है। पहले अध्याय में वो कह रहा है कि एक ऐसे जीवन की बात कर रहा है जो मनुष्यों की ज्योति अर्थात मनुष्य को प्रकाशमान करने वाला है, तमाम अंधकार की शक्तियों को दूर करके परमेश्वर की ज्योति को ऊंचा जो लाने वाला, उस ज्योति को जो सच्ची ज्योति है जो जगत में आने वाली, तो जो जगत के अंधकार को दूर करती है, जगत के तमाम उन बातों को दूर करती है, रोशन करती है, प्रकाशित करती है, सब कुछ प्रकट कर देती है, उस ज्योति की बात करता है कि उस प्रभु में जीवन था, एक ऐसा जीवन था जो प्रकाशमान करने वाला है, जो सब चीजों को स्पष्ट करने वाला हो। अभी जब हमारे पास अंधेरा होता है हम देख नहीं पाते, कई बार रात के समय जब लाइट गुल होती है, जब जो है हमारी बिजली चली जाती है, तो हम देख नहीं पाते, पढ़ नहीं सकते, हमें फिर लाइट की जरूरत पड़ती है। और लाइट के बिना जो है हम किस चीज को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना मुश्किल होता है। अभी लाइट है तो किस किताब का क्या रंग है, किस कपड़े का क्या रंग है, इन दीवारों का क्या रंग है, किस व्यक्ति की कौन सी सूरत है, कौन किस तरीके से, कौन नज़र से देख रहा है, वो सब कुछ हमें दिखाई देता है। और ये एक ऐसा जीवन की बात यूहन्ना आरंभ में कर रहा है कि पहली बात उस वचन में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, और एक ऐसा जीवन था जो रोशनी देने वाला, प्रकाशमान करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला है, अर्थात पाप को दूर करने वाला है। परमेश्वर का वचन पहले अध्याय में कहता 18वां वचन,
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु पुत्र जो पिता की गोद में है उसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया। तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं कि पुराने समय में परमेश्वर अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को प्रकट करता है। फुल पूरा का पूरा प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को कभी जाहिर नहीं किया। मूसा के समय मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जब मनुष्य मेरे चेहरे को देखेगा और उसको देख नहीं सकेगा, वो जीवित नहीं रह सकेगा। और यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और बहुत ही ये सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जब हम चेहरे के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में बयान किया गया है वो इस प्रकार, उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह पीछे फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुका बांधे था। उसके सिर और बाल सफेद ऊन के वर्णपाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता हो। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह की शक्ल, प्रभु यीशु मसीह की सूरत, जिसको मूसा देखना चाहता था। और जैसे हमने पढ़ा उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह, वो बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही नूरानी चेहरा, बहुत ही जो है ज्वाला में जो है परमेश्वर है, ज्वाला में जो स्थिति में है, आंखों में नूर, आंखों में तेज, बालों का उसका रंग, उसकी चेस्ट के बारे में हर चीज के बारे में बयान किया गया है। और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन मनुष्य मेरे चेहरे का मुख का दर्शन देख लेगा वो जीवित नहीं रह पाएगा। और उसको प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं तराई में से होके निकलूंगा और तू वहां मेरी पीठ को देख सकेगा परंतु मेरे चेहरे को कभी भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि मनुष्य कभी भी मेरे चेहरे को देख करके जीवित नहीं रहेगा। हम दानियल की किताब में 2 बार परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं जब उसने अपने आप को प्रकट किया। एक बार जब एक हाथ दीवार के ऊपर लिख रहा है तो ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने हाथ को प्रकट किया। और फिर जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस बहुत जलते हुए भट्टे के बीच में फेंक दिया जाता है तो 3 डाले जाते हैं और राजा खुद गवाही देता है दिखाई 4 दे रहे हैं। डाले 3 गए थे, दिखाई 4 दे रहे हैं और जो चौथा है वो मनुष्य के पुत्र की तरह, एक एक शक्ल परमेश्वर ने जो दिखाई है। ऐसे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो प्रभु के अंगों के बारे में, प्रभु के हाथों के बारे में, प्रभु के चेहरे के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जैसे किसी को हम देखते हैं। और परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और फिर हम
यूहन्ना के पहले अध्याय के 18 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, परंतु पुत्र जो पिता की गोद में है उसने परमेश्वर को प्रकट किया। अब प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को, उसके कामों को, उसकी सामर्थ को हम देख सकते हैं। कितना प्रेमी है, कितना माफ करता है, कितना दयावान है, कितना करुणामय है, कितना वो प्यार से भरा हुआ, कई कई रूपों में, कई इलस्ट्रेशन में, कई कहानियों में जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर हम उड़ाऊ बेटे और बाप की जब कहानी पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो है स्वरूप में, परमेश्वर का जो है रूप में हम उसको देखते हैं, जो कितना भी कोई गलत काम करके आ जाए, परमेश्वर जो उसकी बाहें जो है तैयार रहती हैं अपने गले लगाने के लिए। माफ करने वाला, जिंदा करने वाला, पापों से पश्चात, पापों से जो रिहाई देने वाला, दुष्ट आत्मा को दूर करने वाला, आंधी तूफान को अपने वश में करने वाला, एक शब्द से सब कुछ जो चाहता वो हो जाने वाला, तो किसी ने नहीं देखा। पिता को कभी, परमेश्वर को कभी किसी ने, पुत्र ने जो पिता की गोद में है उस परमेश्वर को प्रकट कर दिया। इसलिए यूहन्ना कहता है पहले अध्याय के 4 वचन में कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 3 अध्याय में जब हम आते हैं 16 वचन, हम सब का बहुतायत से बहुत ही अच्छे तरीके से जाना माना है परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में, परमेश्वर के उस प्रबंध के बारे में, परमेश्वर के मनुष्यों के उद्धार के बारे में, और उस नाश से बचाए जाने के बारे में जो है उस जो है वचन की, उस जीवन की बात करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। हम बहुत सारे जीवनों को जानते हैं जो बहुत ही जो है अल्पकाल के होते हैं, बहुत ही विपरीत तरीके के जीवन होते हैं, कई प्रकार की समस्याओं से घिरे होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा जो जीवन देता है यूहन्ना 3:16 में, वो अनंत काल का, जिसका अंत नहीं है, वो चलता रहता है। और क्या है, एक ऐसा जीवन है जो नाश होने से बचाता है ताकि कोई नाश ना हो बल्कि अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु से एक और जीवन की बात करता है और कहता है, यदि कोई ये मेरी बातें सुनकर मेरे भेजने वाले अर्थात परमेश्वर पर विश्वास करता है या प्रतीति करता है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है तो अनंत जीवन उसका है, उसके ऊपर मृत्यु का दंड नहीं है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है, एक ऐसा जीवन जो दंड रहित है, किसी भी प्रकार की कोई भी पनिशमेंट, किसी भी प्रकार की कोई भी पनिशमेंट नहीं है। और यूहन्ना 3:19 में लिखा हुआ है, दंड की आज्ञा का कारण बताया गया है कि दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, जब ज्योति मनुष्यों में आई और मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके अपने काम बुरे थे। दंड का कारण प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया जाना, जैसे हम यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 11-12 वचन में पढ़ते हैं कि वो अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जिसने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतानों ने का अधिकार दिया। यहां उसी चीज को 3 अध्याय के 19 वचन में यूहन्ना दोहरा रहा है कि वो जीवन दाता वचन इस दुनिया में आया, वो प्रभु यीशु मसीह ज्योति के रूप में इस दुनिया में आया और इस दुनिया में उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया बल्कि अंधकार को ग्रहण किया, क्योंकि वो ज्योति से डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि उनके काम प्रकट किया जाए, उनके बुराई, उनकी गंदगी प्रकट की जा सके।
ये दंड का कारण था। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता, कि उस भेजने वाले अर्थात परमेश्वर ने मुझे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भेजा है कि वो जगत का उद्धार करता है, जगत के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए आया है, जगत को बचाने के लिए आया है, आनंद जीवन उसका है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और वो मृत्यु को पीछे छोड़ देता है और आगे अनंत निकाल के जीवन में वो प्रवेश कर जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, दसवें अध्याय में आते हैं तो यूहन्ना एक और जीवन की बात करता है। दसवां वचन भी जो है दसवें अध्याय का बहुत जाना माना है। क्रिसमस के दिनों में इसके ऊपर हम जो है प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्लेम को बयान करते हैं कि चोर इसलिए आता है चोरी करे, डाकू इसलिए आता है डकैती करे, हत्या करे, नाश करे, और प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए, वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए। और एक ऐसे जीवन की बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह करते हैं जो बहुतायत का है, भरपूरी का है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जो फुल फुल कसरत से भरपूरी से भरा पड़ा है। और भरपूरी उसको कहते हैं को जिसकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं फिर भी उसके पास बैलेंस है, बचा हुआ है, जो दूसरों की कमियों घटियों जरूरतों में जो काम आ सकता है, यह है बहुतायत का जीवन। और प्रभु कहते हैं मैं इसलिए है कि वो जीवन जो भरपूरी का है, जो अपनी जरूरतों के साथ साथ दूसरों की जरूरतों में भी काम आने वाला है, वो जीवन पाए, वो जीवन देने के लिए मैं आया हूं। और यह भी होना 11वें अध्याय में आते हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को जीवित करते जो 4 दिन से मरा हुआ था। बहने कहती उसमें दुर्गंध आ रही होगी, किसी को विश्वास नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह वो चमत्कार करते जो अनहोना था। और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उस बड़े कथन को बोलते पुनर्थान और जीवन मैं हूं, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित कर जाते हैं। पुनर्थान भी वही है, जीवन भी वही है, और वो है जो उस परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराते हैं। फिर जब हम 14वें अध्याय में आते हैं तो फिर हम जीवन की बात पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, आखिरी समय है इस दुनिया में, और पता है कि इस सेवा को पूरा करके पिता के पास वापस जाने वाला है, तो अपने चेलों को तसल्ली देते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। और इस तरीके से बात करते हैं कि मैं जाता हूँ जगह तैयार करता ताकि वापस आऊँ। और इस प्रकार के एक बड़े सुंदर योजना को या प्रभु यीशु मसीह बयान करता कि परमेश्वर ने क्या बनाई है और जिसको करने के लिए अब वो पृथ्वी को छोड़ करके वापस जा रहे हैं अपने पिता के घर में, ताकि फिर वो वापस आए और अपने लोगों को, चेलों को, विश्वासियों को अपने साथ ले जाए और हमेशा एक जगह पर रह सके जहाँ यीशु हो वहाँ उसके लोग भी हों। और आगे जब मार्ग की बात, उस जगह की बात चलते हैं तो यहाँ यीशु मसीह का चेला थोमा कहता है, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे, क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और वो रास्ते को भी जानते हो, और तो मैं एकदम से बोल पाऊँ क्योंकि उसे नहीं पता था। और अपनी शंका को दूर करने के लिए, शक को दूर करने के लिए एकदम से प्रभु यीशु मसीह जानना चाहा, प्रभु हमें नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, जगह का नहीं पता, तो फिर तेरा रास्ता कैसे जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ और सच्चाई भी मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस प्रकार एक ऐसे जीवन की, ऐसे मार्ग की प्रभु यीशु मसीह और ऐसे बहुत बड़ी सच्चाई की बात कर रहे हैं यूहन्ना के माध्यम से कि जो हमें पिता के साथ फिर से मेल कराता है। क्योंकि एक समय
परमेश्वर के साथ संगति थी जब बागी अदन में थे, संगति रोज होती थी, वो संगति टूट गई। उसी संगति को बहाल करने के लिए और उस जगह को संगति के लिए तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, जो मार्ग है, सच्चाई है और जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें उपलब्ध होती है। और ऐसे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम इस सुसमाचार में आगे पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्लियर, परमेश्वर का वचन स्पष्ट होता है। जैसे इन आखिरी चैप्टर में जहाँ 20वां है, इसके आखिरी आयतों में हमने पढ़ा जो 30वीं और 31वीं है कि बहुत काम किए, बहुत चिन्ह दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे, जो भी लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए कि हम सब उसके ऊपर विश्वास करें कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए वो जी उठा है और मेरे लिए वो जगह तैयार कर रहा है ताकि वो वापस आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा, ताकि मैं उसके साथ हमेशा हमेशा रह सकूं। वो मार्ग भी मैं हूँ, वो सच्चाई भी मैं हूँ। और ये इसलिए ये जितना भी लिखा गया है सुसमाचारों में, वो इसलिए लिखा गया है कि हम विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा उस जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हम सब अपने अनुग्रह को, अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखें कि जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में करने के लिए, हमें अनंत जीवन और पिता के साथ मिलाने का कार्य करने के लिए, जिसका उद्देश्य है यूहन्ना रचित सुसमा के द्वारा इन कामों को लिखने का, उस जीवन को विश्वास करने के द्वारा हम प्राप्त कर सके और प्रभु के साथ अनंत काल से अनंत काल तक हम निवास कर सके। प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखें। आमीन।